उभय बनारस एवं आश्रय सेवा संस्था के तत्वाधान में उस समय 59 लोगों का सम्मान हुआ था, जिसमें 1960 से लेके डॉक्टर रंजू शुक्ला जी, डॉक्टर सुभाष त्रिपाठी भाई का 1980 में छात्र संघ अध्यक्ष हुआ करते थे, बगल में छात्र संघ अध्यक्ष अनिल श्रीवास्तव भाई था जो विचारधारा अलग अलग। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 25 दिसंबर, यानी कि आज पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी की जयंती, हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती, ये दोनों महानुभाव भारत रत्न से सम्मानित हैं। और साथ ही आज 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस डे भी है, यानी कि मैरी क्रिसमस का दिन है। तो अभी हम उपस्थित हैं 80 घाट, यानी वाराणसी का जाना माना घाट 80 घाट पर। यहाँ पर आज के दिन लाखों पर्यटकों की भीड़ आपको दिखाई पड़ जाएगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने के लिए लोग भी आए हुए यहाँ पर। सुबह बनारस के मंच पर एक अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसको भी देखने के लिए आए हैं। और आपको खास बात और बता दें, 1 तारीख यानी कि 1 जनवरी 2024 को नव वर्ष पर यहाँ पर लाखों की संख्या में सैलानियों की भीड़ आने वाली है। तो आप भी 1 तारीख को अपने लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दिखाते हैं वीडियो में यहाँ का पूरा दृश्य। दोस्तों आप सामने देख सकते हैं 80 घाट, ये 80 घाट का ये बहुत पुराना श्री पंचरत्न मंदिर है। सीढ़ियों पर भीड़, क्योंकि आज 25 दिसंबर है, आज महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिवस भी है, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस भी है। दोनों भारत रत्न से सम्मानित महानुभाव हैं। और भीड़ की बात करें तो आज वैसे हैप्पी क्रिसमस है, क्रिसमस के वजह से भी आज भीड़ बहुत ज़्यादा लगा हुआ यहाँ पर। ये देख सकते हैं घाट पर चलते हुए सुंदर तरीके से नाव, भीड़ पानी में, ये साइबेरियन पक्षी देखने में अच्छे लग रहा है, उड़ते हुए भी अच्छे लग रहे हैं। दोस्तों आज यहाँ पर कम भीड़ है, 1 तारीख को यानी कि वर्ष परिवर्तन होते ही 2023 के ख़त्म होने पर 2024 के नए वर्ष के दिन यहाँ पर लाखों की भीड़ होने वाली है, क्योंकि घूमने का स्थान, पर्यटन स्थल के रूप में 80 घाट को भी कम नहीं माना जाता है, क्योंकि लोग यहाँ ज़्यादातर घूमने के लिए आते हैं। आप भी आइए, नव वर्ष के दिन यहाँ घूमिए। दोस्तों नव वर्ष पर आप भी आइए और 80 घाट के नज़ारों में खूब झूमिए, बहुत खूबसूरत नज़ारा है 80 घाट का। जगह भी पर्याप्त है यहाँ पर, शाम को आरती होती है, दिन में नौका से लोग अपनी राइडिंग करते हैं, नज़ारा काफ़ी खूबसूरत रहेगा नव वर्ष के दिन। माननीय अतिथि को स्थान ग्रहण कराएं। अब मैं मंच पर आग्रह करूंगा प्रोफेसर एसएस सुखल जी से, राजेश्वर आचार्य जी से, प्रोफेसर सरोज चूड़ामणि जी से। मंच जरा ताली बजा कर तो इस कार्यक्रम की। दोस्तों सुबह बनारस के मंच पर आज 25 दिसंबर को महामना मदन मोहन मालवीय जी का 162वीं जयंती समारोह मनाया जा रहा है। ये मंच उसी के लिए सजाया गया है। आपको काफ़ी नज़दीक से दिखा रहे हैं इस कार्यक्रम को। यहाँ पर काफ़ी प्रोफेसर जो BHU से हैं उपस्थित हैं, सारे जो उपक्रम है उसको वैश्विक रूप दें। अभी विदेश से भी कई लोग, भीड़ की बात करें तो ये और ये सामने है 80 घाट पर आने के लिए ये गेट बना हुआ है। और आज भीड़ यहाँ पर जबरदस्त है,
क्योंकि आज क्रिसमस का दिन है, लोग फ्री हैं तो घाट पर घूमने के लिए आए हुए हैं लोग। सुबह है बनारस का ये मंच, और सामने आपको दिखा दें आर्टिस्ट लोग यहाँ पर अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये बना रही है। सामने जो मंदिर दिख रही है ना, ये इसी को अपने कला में रूप दे रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लोग पुष्पांजलि देते हुए महामना मदन मोहन मालवीय जी को, और यहाँ पर उनके फैमिली मेंबर्स और मालवीय जी के साथ जो स्कॉलर्स थे उनके फोटोग्राफ यहाँ लगाए गए। तो आप देख सकते हैं भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी का ये जीवन परिचय है। तो ऐसे में महामना को लोग भूल गए, लेकिन महामना का जो नाम है, और एक भी यहाँ का कर्मचारी छात्र अध्यापक आचार्य वो निश्चित रूप से जहाँ भी है वह उनके आभा से इतना आलोकित है कि वह ये उनके जीवन की झांकियां हैं। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के साथ अगर सचमुच हमारे सबसे मेधावी प्रौद्योगिकी संस्थान से मैं देख रहा हूँ मुझे, और इधर से अन्य जो सुभाष भाई है जो जहाँ रहा है भाई प्रभु जी ने कहा, ये महामना जी को प्रिय सुभाषित है। ये महामना से ये विद्यार्थियों के लिए क्या उपदेश दिया था उन्होंने, ये वो है। ये भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी का हस्तलिखित पत्र आपको दिखा रहे हैं। ये स्वयं महामना जी के द्वारा ये लिखा हुआ पत्र है। ये देख सकते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में महामना जी का लिखा हुआ पत्र है। ये पत्र 3 मार्च 1923 को लिखा गया था। दोस्तों सामने आप देख सकते हैं ये कार्यालय है काशी प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा समिति का। संचालक के रूप में उमाशंकर गुप्ता जी हैं, और काशी में क्या खास है ये आपको इस बोर्ड पे दिखाई पड़ जाएगा। आप देख सकते हैं द्वादश यानी 12 ज्योतिर्लिंग, सूर्य, नव दुर्गा, ये सारी आपको जानकारी इस बोर्ड से मिल जाएगा। 80 घाट के प्रवेश द्वार पर देख सकते हैं महामना जी की मानस संतति का अभिनंदन एवं सम्मान कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ पर प्रवेश द्वार पर इतनी भीड़ लगी हुई है कार्यक्रम को देखने के लिए, और 80 घाट पर घूमने वाले लोगों के लिए, बोटिंग करने वाले लोगों के लिए। तो यहाँ पर खूब सारे बच्चों के द्वारा अपने कला का प्रदर्शन किया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर ये वास्तव में पेंटिंग कार्ड देखने में काफ़ी लोगों को अच्छा लग रहा है, लोग भीड़ लगा के देख भी रहे हैं यहाँ पर। अच्छे तरीके से यहाँ पे पेंटिंग करके जाए, देखिए काफ़ी बेहतर लग रहा है ये फूल, गुलाब का फूल बना हुआ है पेंटिंग के द्वारा। दोस्तों यहाँ आपके मुताबिक
की रिंग मिल सकता है। दोस्तों आज का 80 घाट पर कार्यक्रम और 80 घाट की भीड़ और 80 घाट पर अलग अलग प्रकार के दृश्यों को देखना आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत हर हर महादेव।